नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी चेक करना है मुझे, जेड टू पे देख रहे हैं यहाँ पे क्यूबिक, मैंने क्यूबिक पोलो में लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जेड टू मतलब यहाँ भी एलिमेंट कौन कौन होंगे, जीरो और वन। तो क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं जीरो पे, जीरो पे क्या होगा वैल्यू, वन देगा, नहीं रूट है। वन पे क्या देगा, वन पे थ्री देगा, मतलब थ्री के, थ्री इक्वल टू थ्री का मतलब क्या हो गया, वन हो गया। इसका मतलब जीरो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी रूट नहीं मिला है, इसका मतलब इट हैज़ एफ एक्स हैज़ नो रूट इन जेड टू, देयर फोर एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल पोलोमियल। मतलब कि जेड टू में इसका कोई रूट नहीं मिला, इसलिए ये क्या पोलोमियल क्या है, कैसा है, ये इरिड्यूसिबल है ओवर जेड टू। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम में आप चेक कर सकते हो कि वो इरिड्यूसिबल है कि नहीं, मतलब अगर आपके पास क्यूबिक और मतलब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलोमियल दिया हुआ है, तो देखो जिस फील्ड में दिया हुआ वो फील्ड कैसा है, वो फील्ड देखो आप, उस फील्ड में जो एलिमेंट है वो पहले पढ़ के देखो, अगर रूट मिल रहा है तो रिड्यूसिबल है, रूट नहीं मिल रहा तो ये इरिड्यूसिबल। कैसा, ये टीवी, ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, बट ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, कहाँ काम कर रहे हैं, जेड थ्री पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे, जीरो होंगे, वन होंगे और टू होंगे। और थ्री बिहेव किस तरह करेगा, थ्री बिहेव करेगा जीरो की तरह, वन बिहेव करेगा माइनस टू की तरह, माइनस टू बिहेव या फिर टू कर सकता है, टू बिहेव करेगा माइनस वन की तरह। क्या करेंगे, जीरो पुट देखते हैं, जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो टू, टू मतलब टू का वैल्यू आ गया माइनस वन, मतलब नहीं जीरो नहीं हुआ। वन वन पुट करके देखिए, वन टू और एक थ्री, मतलब वन टू और एक थ्री जीरो और टू, मतलब ये भी आपका जीरो नहीं है, ये भी आपका जीरो नहीं है। और ये टू पुट करके देख रहे हैं तो ये भी आपका जीरो जीरो नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसमें भी इसके कोई रूट नहीं मिले, दैट्स वाई दिस इज द कैसा पोलोमियल है, ये इ रिड्यूसिबल ओवर ओवर जेड थ्री। ये जो पोलोमियल हुआ जेड थ्री पे इ रिड्यूसिबल हुआ, क्यों, क्योंकि इसके में इस जेड थ्री में मान लीजिए कोई मेरे रूट, पास इसलिए एक मुझे पोलोमियल है ये भी जेड थ्री पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है, थ्री बी थ्री बिहेव लाइक जीरो, वन बिहेव लाइक माइनस टू, टू बिहेव लाइक माइनस वन, सेम प्लस मॉडलो थ्री इंटू मल्टीप्लीकेशन मॉडल थ्री, ठीक है। क्या करते हैं अब निकालेंगे, देखिए क्या होगा इसका, कोई देखते हैं पहले क्या, जीरो इसका कोई, जीरो इसका कोई है, जीरो 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 वन, नहीं ये भी नहीं हुआ। एफ वन, वन इसका रूट होगा, देखें टू प्लेक्स थ्री, थ्री थ्री ये इसका क्या होगा, इसका वन थ्री बी लाइक जीरो, मतलब इसका वन एक रूट मिल गया। काम नहीं करते, सिंपल देते हैं कि एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स, मतलब इसका एक मुझे रूट मिल गया, वो क्या है एक्स माइनस वन। अब मुझे बाकी का मतलब क्या हुआ, इस पोलोमियल को हम लोग तोड़ सकते हैं एक्स माइनस वन में, और अब चाहे तो इसको आप दूसरा रूट निकालो, सॉरी ये यहाँ पे क्यूबिक था ना, अब सेम एम है। अगर आप अब इसको फर्दर मुझे देख करना है, इसको रिवाइव करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंथेटिक डिविजन मेथड इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो वो कॉफिशन को लिखिए, वन टू टू वन, यहाँ पे जो रूट है वो लिखेंगे वन, इसको आप सिंपल तौर दो वन का वन, दो वन का वन, अब वन इंटू वन वन, ठीक है, वन इंटू वन वन, और टू और वन को जोड़ेंगे तो ठीक है थ्री, थ्री यहाँ पे क्या है, थ्री बी एफ लाइक जीरो, तो यहाँ पर लिखो जीरो, ठीक है। फिर इस जीरो और वन को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जीरो, जीरो और टू क्या हो गया, जोड़ेंगे तो टू, टू लिखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर टू, अब टू इंटू वन टू, टू और वन थ्री, थ्री बिहेव लाइक जीरो, मतलब क्या हुआ, ये किसका कॉफिशेंट है, ये हो गया एक्स स्क्वायर का, ये हो गया एक्स का, ये कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब मेरा जो पोलोमियल है वो टूटा है कैसा, पहले एक्स माइनस वन में और दूसरा टूटा है एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स जीरो है प्लस टू, मतलब इस वन देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लस टू है वो प्लस टू तो माइनस वन की तरह बिहेव कर सकता है, तो आराम से इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पोलोमियल है ये आप फर्दर भी कर सकते हो, कैसे होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, सारे सारे इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सारे 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 कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी सकते हो फर्दर, तो आप जैसे चाहे वैसे सकते हो। एग्जाम में जो ऑप्शन रहेंगे वो इस फॉर्म में किसी में भी रह सकते हैं, या चारों हो सकते हैं, या दो तीन जितने भी हो सकते हैं, आपको चेक करके देखना है, या कोई इसको अप्लाई करके देखते जाना है कि कौन कौन वेरीफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग
पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं कि वो इरेड्यूसिबल है कि इरेड्यूसिबल। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, वो तो मुझे स्टडीज यहीं पे पता चल गया था, यहीं पे पता चल गया है कि वैसा का पॉलिनोमियल कैसा कैसा पॉलिनोमियल है, ये इरेड्यूसिबल है। हम सिंपली इसको हम अपने फर्दर एनालाइजिंग के लिए इसको हम लोग ने रूट निकाल कर देखा है, ठीक है। इस वे में आप इसको चेक कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर आपके पास कोई भी वन डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वन डिग्री का पॉलिनोमियल ऑलवेज होता है इरेड्यूसिबल, और अगर टू और थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप चेक करो कि अगर उसका कोई रूट है, अगर रूट मिल रहा है तो वो रिड्यूसिबल है, अगर रूट नहीं मिल रहा है तो वो रिड्यूसिबल नहीं है, इसका मतलब वो इरिड्यूसिबल है या फिर नॉन फैक्टराइजेबल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री थ्री से ज़्यादा है, मतलब फोर फाइव सिक्स सेवन, मतलब थ्री से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, उस पर चेक कर रहे हैं। उसके लिए क्या है आपके पास, एक ऐसे पहले पहले हम एक काम करते हैं जेड टू, और यहाँ पर लिखे हैं जेड थ्री, ठीक है। जेड टू में कौन कौन एलिमेंट होते हैं, जीरो और वन। जेड थ्री में कौन कौन होते हैं, जीरो वन टू, ठीक है। अगर हम जेड टू से अगर दो डिग्री का पॉलिनोमियल बनाते हैं तो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी दो डिग्री का पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ हम काम कर रहे हैं जेड टू पे, यहाँ हम काम कर रहे हैं जेड थ्री पे, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है इस फील्ड में मुझे इस पॉलिनोमियल को बनाना है, मतलब मुझे वेरिएबल तो मुझे एक ए और बी में ये वन बाई वन ये वैल्यू को पुट करना है। देख रहे हैं कि अब दो वैल्यू, इसका मतलब दो टू इंटू टू मतलब फोर, टोटल फोर कितने बनेंगे, चार। कौन कौन बनेगा, पहले पहले बन जाएगा दोनों को जोड़, दोनों को हम जीरो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा कौन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तीसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, चौथा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस फील्ड पे चार पॉलिनोमियल बने। सेम वे में अगर हम यहाँ काम करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कितना प्लेस भरने का है, तीन है, तो यहाँ तीन मतलब थ्री थ्री जा नाइन, मतलब टोटल नाइन पॉसिबल पॉलिनोमियल बनेंगे। कौन कौन बनेंगे आप पर वाई वाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस पे काम करते हैं। तो देख रही है टोटल मेरे पास मतलब जेड टू पे टोटल चार पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये इरेड्यूसिबल की इरेड्यूसिबल है, स्क्वायर है, डेफिनेटली इसको हम लोग एक्स इंटू एक्स में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल हो गया ये रिड्यूसिबल हो गया। ये कैसा है, इसको देखो आपको रूट मिल रहा है इसका, हाँ वन इसका रूट मिल रहा है, वन रखने पे जीरो है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, रिड्यूसिबल हो गया, ये भी रिड्यूसिबल हो गया। देखिए एक्स कॉमन सकते हैं, ये जो केवल एक पॉलिनोमियल जो बचा है जेड टू पे ये कैसा है, इरिड्यूसिबल। मुझे इस पे काम करना है, ये तीनों पे नहीं, ये पॉलिनोमियल बचा है, मतलब जेड टू पे अगर आपको कोई पूछ रहा है दो डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये जो पॉलिनोमियल केवल है ये इरिड्यूसिबल है। सेम वे में अगर आप इससे बनाओगे टोटल नाइन पॉलिनोमियल बनेंगे, और इसमें से ये तीनों जो पॉलिनोमियल होगा ये तीनों केवल होगा इरिड्यूसिबल, बाकी जितने भी होंगे सब होंगे रिड्यूसिबल। तो उस पर हम लोग काम नहीं करना, मुझे काम करना है इरिड्यूसिबल पे, ठीक है। तो अगर आप थ्री जेड थ्री पे काम कर रहे हो क्वाड्रेटिक है तो ये तीनों पे चेक, ये तीनों से आपको चेक करना है। अगर आप जेड टू पे काम कर रहे हो क्वाड्रेटिक है तो आपको सिर्फ इसे चेक करना है। यहाँ तक क्लियर है, अब आते हैं प्रॉब्लम पे होगा, लेकिन ये जो पूछा है ना, ये पूछा है आपका ओवर क्यू, ठीक है, ओवर क्यू पूछा है। तो देख रहे हैं इसको क्या टूटेगा, इसको आप तोड़ोगे तो टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब तो के देखना ये टूटेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ये फर्दर टूट जाएगा, अब इसको आप तोड़ोगे, इसको फर्दर तोड़ोगे तो क्या आएगा, इसका तो वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री और रूट टू। तो ये क्या है, रूट टू और रूट थ्री वो क्यू का है, क्यू पे तो नहीं है, वो डिफाइन क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल है ये ब्रेक तो हो गई, ये रिड्यूसिबल तो है बट क्यू पे इसका रूट नहीं है, ये पॉलिनोमियल जो है वो क्यू पे रिड्यूसिबल है बट क्यू पे इसका लीनियर फैक्टर नहीं, इसका मतलब रूट पे नहीं है। हमारे पास नया क्वेश्चन है जो कि कैसा पॉलिनोमियल है, फाइव डिग्री का पॉलिनोमियल है, जेड टू पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जीरो और वन, टू बिहेव लाइक जीरो, वन बिहेव लाइक माइनस वन, ठीक है, जेड टू पे काम कर रहे हैं। मुझे चेक करना है कि इस फील्ड पे ये पॉलिनोमियल कैसा है, रिड्यूसिबल कि इरिड्यूसिबल। देख रहे हैं कि थ्री से ज़्यादा वाला है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका मतलब क्या, अगर क्या इसका कोई लीनियर रूट है, क्या लीनियर फैक्टर है, क्या कोई रूट है क्या, तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे जीरो जीरो पुट कर रहे थे, जीरो 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 मतलब अगर हम एफ जीरो निकालते हैं तो वन आ जाता है, कि जीरो तो नहीं है, ठीक है। और अगर हम वन निकालते हैं, दो तीन चार पाँच, पाँच मतलब फाइव, फाइव का मतलब वन, ये भी नहीं, इसका मतलब सब इस पॉलिनोमियल का कोई लीनियर फैक्टर नहीं, इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई फाइव डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो तो वन में तो टूट नहीं रहा,
वन और फोर में तो टूट नहीं रहा, वन का तो मिला ही नहीं, तो वन टू फोर में टूट नहीं रहा, इसका मतलब ये जब पॉसिबल नहीं, इसका मतलब टू इंटू थ्री में टूटेगा। अगर वन और फोर में, इसे कि मान लीजिए फाइव को मुझे ब्रेक करना है, पहला पॉसिबल है क्या कि वन और फोर में ब्रेक करो, तो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, मिला ही नहीं मुझे रूट। दूसरा पॉसिबल क्या होता है, टू इंटू थ्री, ठीक है यही पॉसिबल सकता है ना, और तो कोई चांस नहीं है मेरा। मेल जो है वो टूटेगा, वो 2 डिग्री और 3 डिग्री में पॉलीनोमियल टूटेगा, अगर टूटना होगा तो क्या करते हैं, हम अभी पढ़े थे कि जेड टू पे अगर 2 डिग्री का पॉलीनोमियल कोई तोड़ना है तो वहाँ पे हम इरिड्यूसिबल, मेरा फैक्टर इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल कौन था, केवल एक ही था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मतलब अगर ये पॉलीनोमियल 2 और 3 डिग्री के पॉलीनोमियल में टूट रही है, वो तभी ऐसा होगा जब ये पॉलीनोमियल इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करेगी। मतलब अगर आप, मतलब क्या है कि इसका लीनियर रूट तो मिला ही नहीं, तो आप क्या करो, आप इससे इसको डिवाइड करके देखो, मतलब इस पोल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इससे आप डिवाइड करके देखो, अगर ये पॉलीनोमियल इसको पूरी पूरी डिवाइड कर जाती है, अगर इसका रिमाइंडर जीरो आता है तो ये फैक्टराइजेबल है, अदरवाइज ये फैक्टराइजेबल नहीं है। क्लियर है, ये इसका कंक्लूजन निकला, मतलब इसका यूज यहाँ पे यही हुआ। मतलब क्या है, सिंपल देखिए, अगर मान लीजिए थ्री डिग्री से ज़्यादा रूट दिया हुआ है, मतलब 3 डिग्री से ज़्यादा की पॉलीनोमियल आपको दी हुई है, ठीक है। अगर आप पहले देखोगे जिस फील्ड में दिया हुआ है उसमें देखो आप लीनियर फैक्टर है कि नहीं, उसका रूट देखो, रूट मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। अगर आपको 3 डिग्री से ज़्यादा की पॉलीनोमियल दी हुई है, अगर आपको लीनियर रूट नहीं मिला है, तो जेड टू पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप इससे डिवाइड करके देखो, अगर इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो ये पॉलीनोमियल फैक्टराइजेबल है, और अगर नहीं होती है तो फैक्टराइजेबल नहीं है। यहाँ से क्लियर कट रिजल्ट निकलता है। और अगर जेड थ्री पे काम, यही काम अगर जेड थ्री पे हो रहा होता, और सेम वे में अगर उसका रूट तीनों में से कोई रूट नहीं आया होता, तो हम जेड कंक्लूजन